जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, पिछला वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था एक ऑफिशियली नोटिस के माध्यम से कि आपकी जो फिजिकल है वो 13 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि जो है आप लोगों के फिजिकल जो है दिए गए हैं उसमें सिर्फ 10 सेंटर जो है SSC जो आपके SSC GD के जो फिजिकल है वो CRPF करवा रही है, तो सिर्फ 10 जो है एग्ज़ाम सेंटर जो कि फिजिकल सेंटर वहाँ पर दिए हुए, तो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न बड़ा ये है कि जो है किस राज्य का किस में दिया हुआ है, ठीक है, रीजन वाइज दिया है या किस प्रकार से दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं वही बात क्लियर करने वाला हूँ कि किस राज्य का जो है, पूरे जितने भी आपके राज्य हैं सभी राज्य का मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस राज्य का कहाँ पर सेंटर है, ठीक है, कितनी दूरी है, कितने मतलब कौन से राज्य में आप लोगों को दे सकता है। ठीक है, ये बातें इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पल पल के अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप जो है फिजिकल सेंटर यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, टोटल 10 सेंटर है। ठीक है, आप लोगों को यकीन करना होगा, ये जो है नोटिस, अभी भी कुछ लोग यकीन नहीं करेंगे कि यार ये नोटिस कहाँ से आया, तो ये नोटिस के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये नोटिस जो है आपको फैक्स के द्वारा जो है SSC जो फिजिकल करवाने वाले जो मतलब के सेंटर है वहाँ पर जो है फैक्स के द्वारा भेजा गया है। ठीक है, तो ये जो आप लोगों को बता दूँ, अभी कुछ दिन में आप लोगों को ऑफिशियल साइट में दिख जाएगा और आपके जो है लगभग 5 से 6 दिन बाद जो है आपको आपके एडमिट कार्ड भी जो है जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर टोटल जो सेंटर दिए हुए हैं वो 10 सेंटर दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आप 10 सेंटर दिए हैं, तो यहाँ पर आप देखिए टोटल अगर मैं यहाँ पर स्टेट्स की बात करूँ केंद्र शासित प्रदेश के 7 में, तो लगभग आपके 36 हो रहे हैं। ठीक है, जिसमें 29 और आपके 7, ठीक है, तो इस प्रकार से। तो यहाँ पर मैं पूरे स्टेटों के बारे में बताऊँगा कि किस राज्य का कहाँ कहाँ सेंटर आप लोगों को देने वाला है, कितने दूरी पर आप लोगों को जाना होगा। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम इस वजह से है कि ये सेंटर वहीं चुना गया है जो सेफ जोन अभी तक यहाँ पर पाया गया है, जो कि बरसात के मौसम में, ठीक है, बारिश का मौसम है, तो काफ़ी जगह बाढ़ का जो है मतलब सिलसिला चल रहा है, इस वजह से जो है ये सेंटर चूज किए गए हैं। तो चलिए बात कर रहे थे किस राज्य का कहां पर सेंटर दिया गया है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सभी राज्यों का मैं यहाँ पर आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ। टोटल अगर सेंटरों की बात करूँ तो टोटल जो है आपके 10 सेंटर है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर बात करता हूँ दिल्ली। ठीक है, एक सेंटर आप लोगों को देखा होगा दिल्ली, वहाँ पर एक सेंटर दिया जो कि एक नॉर्थ रीजन है। ठीक है, अब दिल्ली में कहाँ कहाँ मतलब किस किस राज्य वालों का जो है वहाँ पर एग्जाम सेंटर या फिर फिजिकल सेंटर या फिजिकल होने वाला है उसको देख लीजिए। सबसे पहले दिल्ली वालों का तो होगा राजस्थान और उत्तराखंड। ठीक है, 3 राज्य का जो है आपका दिल्ली में होने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप लोगों को बाद में फिर जो है कमेंट करके पूछते हो सर कि मेरे राज्य का कहाँ होगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, आपकी पूरी बातें यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं इलाहाबाद। ठीक है, दूसरा नंबर जो आपको सेंटर दिया हुआ है इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद सेंटर जो दिया हुआ है उसमें आप लोगों को अगर बताऊँ तो यहाँ पर सेंटर उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार इनमें जो है इलाहाबाद वालों को यहाँ पर देने वाला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सॉरी, एक बात यहाँ पर ये भी आप लोगों को रखना है कि MKG, ठीक है, MKG एक सेंटर है। ठीक है, GC MKG CRPF एक सेंटर है जिसमें बिहार वाले को, ठीक है, तो इलाहाबाद में सिर्फ उत्तर प्रदेश वालों को रखा है जिसमें बिहार वालों को जो है यहाँ पर MKG में देने वाला है, मतलब बिहार में ही एक MKG CG MKG CRPF करके सेंटर है, वो बिहार वालों के लिए वहीं पर होगा। ठीक है, तो बिहार का जो है बिहार में ही होगा, उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश में ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कोलकाता। ठीक है, कोलकाता वालों जो कोलकाता जो दिया हुआ है जिसमें एक मतलब एक स्थान है, तो कोलकाता रीजन वालों के लिए अगर यहाँ पर बात करूँ मैं, तो कोलकाता रीजन वालों को एक सेंटर दिया गया। ठीक है, कोलकाता रीजन वाले को वेस्ट बंगाल में एक सेंटर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा वेस्ट बंगाल में एक सेंटर दिया गया जो दुर्गापुर है। ठीक है, दुर्गापुर जो आपका है वहाँ पर जो है ये सेंटर दिया गया है, जो कि उसमें किस किस राज्य का होगा इसको देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, कोलकाता में वेस्ट बंगाल, ठीक है, कोलकाता, सिक्किम, ओडिशा, झारखंड, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, इन राज्यों का जो है आपको कहाँ होने वाला है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, जो कि कोलकाता रीजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये देख लिया। अब बात करते हैं मुंबई। ठीक है, मुंबई जो आपका रीजन है उसमें जो है सेंटर दिया हुआ है पुणे, याद रखिएगा पुणे आपको सेंटर दिया है। ठीक है, पुणे सेंटर दिया। अब पुणे में जो सेंटर दिया उनका कहाँ कहाँ मतलब किस किस राज्य वालों का होने वाला, देखिए महाराष्ट्र वालों का होगा, ठीक है, कुछ गुजरात वालों का भी होगा वहाँ पर, गोवा, ठीक है, अब यहाँ पर जो अंडमान निकोबार द्वीप है, ठीक है, दमन एवं द्वीप है, ठीक है, और ये दादर और नगर हवेली, तो इनका जो है मुंबई, तो जितने भी उधर जो समुद्र के किनारे वाले जो स्टेट है या केंद्र शासित प्रदेश है तो उनका जो पुणे में होने वाला है। ठीक है, जो कि मुंबई रीजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चेन्नई का, तो चेन्नई वालों का कहाँ, देखिए चेन्नई जो रीजन है, ठीक है, तो चेन्नई रीजन वालों को कहाँ पर देने वाला, तो ये देने वाला है चेन्नई में अवादी।
ठीक है, अवादी नामक एक स्थान है, ठीक है, चेन्नई में अवादी नामक एक स्थान है जहाँ पर आप लोगों को चेन्नई वालों का देगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात, चेन्नई में कौन कौन से स्टेट वालों को देगा, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पुडुचेरी, ठीक है। तो ये जो है आपका चार राज्य और पांच जो चेन्नई, ठीक है, तो ये पांच राज्यों का आप लोगों को कहाँ होने वाला है, अवादी नामक एक स्थान है जहाँ की चेन्नई में है, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं नॉर्थ वेस्ट रीजन चंडीगढ़, ठीक है। अब चंडीगढ़ का कहाँ देने वाला है, तो ये इन राज्य के लिए जो एक सेंटर बनाया गया है आप लोगों को, पंजाब, ठीक है, पंजाब में जो है ये सेंटर बनाया गया है जो कि जालंधर, ठीक है, पंजाब जो जालंधर जहाँ है पंजाब में वहाँ पर एक सेंटर बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए किन किन राज्य वालों को, चंडीगढ़, ठीक है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर वालों को कहाँ होने वाला, पंजाब, हरियाणा वालों को भी पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़, ठीक है, इन राज्यों का आप लोगों को कहाँ होने वाला है, पंजाब में, जो कि जो आपका जालंधर जो जगह है पंजाब में वहाँ पर होने वाला, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं बेंगलोर वाले का, तो देखिए बेंगलोर जो रीजन है में किस किस लोगों का होने वाला है, देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये याद रखना है कि बेंगलोर में ही जो है ये होने वाला है, ठीक है, गुवाहाटी, ठीक है, असम का जो असम में होने वाला है, ठीक है, असम का तो गुवाहाटी में होना है, लेकिन बेंगलोर में ही जो है एक आपका सेंटर दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पर आप लोगों को जो है जिनका कर्नाटक, केरला और जो लक्षद्वीप है, ठीक है, उन लोगों का बेंगलुरु में ही होने वाला है, ठीक है, तो वो कर्नाटक में जो सेंटर है बेंगलोर में वहीं पर ये सेंटर दिया हुआ है जिसमें कर्नाटक, केरला, लक्षद्वीप, ठीक है। अब गुवाहाटी, तो गुवाहाटी में जो सेंटर दिया हुआ है, ठीक है, तो वो आपको अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक है, असम में जो सेंटर दिया है जो कि गुवाहाटी असम में है, तो वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मणिपुर, ठीक है, जो सॉरी मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, तो यहाँ पर सेंटर कहाँ दिया आप लोगों का, असम में दिया, ये याद रखना है आप लोगों को, जिसमें आपकी गुवाहाटी में जो है ये सेंटर है असम के, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं रायपुर, ठीक है, तो यहाँ पर जो एम पी आर रीजन जो रायपुर रीजन है जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए भोपाल सेंटर दिया हुआ है, ठीक है, जो कि एमपी में है, तो एमपी की राजधानी है भोपाल, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं बाकी चीज सभी चीज़ों की, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जितने भी आप लोगों के सेंटर बटे हैं, 10 सेंटर बटे हुए हैं, तो 10 सेंटर की मैंने यहाँ पर आप लोगों को बात कर ली कि किस सेंटर का कहाँ पर देने वाला है। अब ये तो कन्फर्म लेके चलिए, आप अपनी जिम्मेदारी से बाहर नहीं भाग सकते, आप वास्तविकता से नहीं भाग सकते, ठीक है। अगर आप सोचेंगे कि यार मतलब जो है 15 अगस्त के बाद, देखिए अगर 13 तारीख उसने दिया हुआ है, ठीक है, 13 तारीख सेंटर तो कन्फर्म है कि यही रहने वाले हैं, क्योंकि बाढ़ का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर जो है आप लोगों को एक बात ये नोट रखना है कि 13 तारीख जब से उसने बोला है तो आपको हो सकता है 15 अगस्त के बाद 16 से ये चालू कर दे, ठीक है, तो आप मान के चलिए ना, तैयारी इसी प्रकार से कीजिए कि 13 से आपका जो है वहाँ पर एग्जाम या फिर ये है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा बाकी सभी चीज़ें कहाँ कहाँ देने वाला है सेंटर, ठीक है, तो मैंने एक बार फिर से आप लोगों को बता दिया है कि अच्छे से कि कहाँ पर किस राज्य का सेंटर होने वाला है। फिर भी आप कमेंट अगर करेंगे तो वहाँ पर जवाब मैं दे दूँगा आप लोगों को, ज़्यादा अगर दिक्कत होगी तो, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छी लगे तो, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।